अजय भाई। अरे तुम कितना तुमको जगह चाहिए? बस भाई, बस भाई, भाई तो लेफ्ट साइड बचपन से मचा हुआ आया भी नहीं सुबह से वो बहुत हार्ड कंपटीशन है, बहुत कड़क कंपटीशन है, बहुत मजा आ रहा है दोस्त। क्या कुछ है शिव, जिस तरह पहली परफॉर्मेंस थी शिव की, यार शिव शिव विवेक अंजलि सारे के सारे तोड़ परफॉर्मेंस है। अब पहला हफ्ता है जो हम आज शूट कर रहे हैं और आज होंगे एलिमिनेशन। बताओ कौन है एलिमिनेशन? कौन? अच्छा सीक्रेट कल यार वो मत याद दिला दोस्त। इधर 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 कैमरा लो, कैमरा इधर। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दोस्त, बहुत बढ़िया खेला है हमारी टीम ने, खेला है हमारी टीम ने, हमारी टीम ने बहुत बढ़िया खेला है। आउटस्टैंडिंग performance in the entire competition, but it's a game. Yes. But Australia को लेके already they are world champion, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि थोड़ा यार उनका होमवर्क बहुत बढ़िया था दोस्त। आपने देखा फील्ड पे दे एक्सेल्ड, मतलब वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे हराने के लिए, एंड आई थिंक दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। एंड इट्स अ गेम, गेम में हार जीत चलती रहती है, बट हमारी टीम आई डोंट थिंक इससे बेटर भारत की टीम इसके पहले कभी बनी है, एंड आई थिंक दे आर फैंटास्टिक। बट फिर भी दिल तो टूटा है यार। मैं रोया हूँ, मजाक नहीं कर रहा। हाँ भाई मैं छोड़ो, मेरे कई सारे यार दोस्त बहुत लोग रोए। ऋतिक जी एक सवाल, वो याद मत दिला और कुछ भी पूछे। एक सवाल, बिग बॉस कितना अंकिता मैम है? यार मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे जेन्युइनली नहीं पता, बट जो भी है उसमें अंकिता भी है, आई थिंक मुनावर भी है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, डू अ वंडरफुल जॉब। झलक देखो दोस्तों, झलक झलक। वो नमक कटे गए था मार के मेरे आई बोले क्या कपड़े निकालता लोगों के सामने यहाँ पे तनिषा जी लेफ्ट साइड यार। जैकेट निकालो, इसको पसंद है। वापस वापस तनिषा जी ये साइड ऊपर। मैडम तनिषा जी देखो डब्बा रे, ये साइड आ जा। हां तो बिचारा का डब्बा है, तो ये अरे लाइट भी आ रहा है, लाइट भी आ रहा है। आ गया यहां पे सेंटर 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 तनिषा जी एक कोला भी लेफ्ट अभी सोलो मैम लेफ्ट। अरे हो गया होगा, थैंक यू। छह में डन किया, क्या बात है, चप्पल अगले में चार का एक्स्ट्रा होना चाहिए अभी। इधर 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 कैमरा बंद कर।
पांच पहले वाले मैम इधर इधर मैम यहाँ पे एक मिनट ज्यादा होना चाहिए। राजन हट राजन तू है बे अजय चौरसी है बे मैम यहाँ लेफ्ट से मैम यहाँ पे लेफ्ट से मैम यहाँ पे लेफ्ट से मैम वन्स मोर चलो डन एक टू एक टू चलो ऐसे ही निकल जाए डन 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 ऐसे ही चले जाओ मलाइका जी एक बार साथ में करने पीछे बराबर जा रहा है भाई राजन बराबर जा रहा है पीछे पीछे तू जा रहा है दिख जा रहा है ए किशन हमारा बाकी 10 सेकंड ना भाई 12 सेकंड पीछे बस रुक जाओ बस बस गौर जी सामने गौर जी यहाँ पे गौर गौर मैडम सामने आपकी इधर अरे अभी तुम कैमरा चालू में कैसे बोल रहे हो चलो थैंक यू सर सर इंडिया नॉट परफॉर्म वेल कुछ कहना चाहिए बहुत बुरा लग रहा है मेरे को बाय कॉर्ड बड़ी तकलीफ हो रही है मेरे को एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा कसम से इतनी स्ट्रॉन्ग टीम कैसे हार गई बड़े लोग किस्मत किस्मत आपको लगता है कभी नहीं होता है क्या करें आपको लगता है कुछ ओवर कॉन्फिडेंस आई वुड से बहुत नथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ नहीं यार खेल कूद में होता है कभी आप जीतते हो कभी हारते हो अगर इंसान हर बार जीतने लगा वो भगवान हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है कभी आप हार जाते हो कभी जीतते हो आई थिंक दे आर स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम एंड स्टिल द बेस्ट टीम एंड नो प्रॉब्लम नेक्स्ट वर्ल्ड कप 100% जीतेंगे गौर जी वेट कैसा चल रहा मैम मेरा बेटी है मुझे जाना है भाई रुको ना भाई भाई रुकिए सर यहाँ पे उर्वशी जी साथ में आइए उर्वशी जी साथ में मैम साथ में हमेशा बदल में होता है यार जब भी सोलो ठीक नहीं हो रहा मैम लास्ट कॉर्नर
मैम यार लेफ्ट में आपके पैर में क्या हो गया? पैर अभी तक ठीक नहीं है। थोड़ा सोलो करते हैं, थोड़ा पीछे सोलो। आपका सोलो? मैम यहाँ पे। मैम क्या? मैम ये लास्ट कॉल है। बोल। मैम ये? किसको? चालू है, चालू है। अरे चालू है। आप लोगों ने खाना नहीं खाया अभी तक, 3 बज रहे हैं। नहीं नहीं। Well, I'm not eaten, bye। काम भी तो कर रहे हैं। अरे हम भी कर रहे हैं, लेकिन खाने के लिए करते हैं ना बेटा। खाना प्लीज खा। मुझे सीधा डायरेक्ट पेड़ जो बनाया है ना बचा। ये एक्ट जरूर देखना, लेकिन मैं पेड़ बनी हुई हूँ। एक होता है शेर और एक शेरनी, तो मैंने कहा है कि वैभव बनाए पेड़ और मैं पेड़ नहीं। एंड फर्स्ट जो था आपका डांस काफी लोगों को पसंद आया, आप कुछ बताना चाहोगे जजेस के? आई एम रियली हैप्पी कमेंट के बाद। आई एम रियली हैप्पी विद द फर्स्ट एक्ट। आई मीन टू से हां, इंजरी के बावजूद आई मीन टू से वो एक्ट बहुत स्मूथ लगा है स्क्रीन पे। मैंने कल रात को खुद देखा है एंड आई वाज लाइक ठीक है। पीपल वांट टू नो अबाउट द अपडेट ऑफ द इंजरी, किस तरह ये कल पता चलेगा मेरे को। अब तक हीलिंग टाइम पता नहीं है, बट टुमारो आई एम शेड्यूल्ड फॉर अनदर एक्सरे। क्रैक्स तो है ही है, बट हीलिंग टाइम कहाँ मिला है। एंड गुड टू सी यू आफ्टर रियलिटी शो में, डांस रियलिटी शो। व्हाट वाज देयर इन योर माइंड टू टेक ऑन? नो, कुछ नहीं था, बट झलक है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये शो की ऑफर कभी नहीं आई थी मुझे, और जब आई तो मैंने दोनों हाथों से पकड़ लिया इसे। कैसे दिख रहा हूँ? हाउ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब तो फिर ऊपर वाला मालिक है। स्टार्टिंग एपिसोड काफी अच्छी, राजीव आमिर अली सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितना अपने एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ हैं उतना हम कर सकते हैं। अब मैं जितना अपना इस अंगूठे को लेके आगे बढ़ सकती हूँ मैं बढ़ूँगी। आई थैंक यू सो मच। बस अपना प्यार, अपने विशेस और अपने अपना गुडविल हमेशा मेरे साथ रहे, दैट्स ऑल आई नीड। थैंक यू मैम। एंड मैं तो हमेशा बोलती हूँ लेट द बेस्ट मैन वुमन विन। एंड इंडिया कल फाइनल हारा, उसके लिए अब दुख तो होता है, लेकिन हार और जीत तो होनी है। किसी एक की हार, किसी एक की जीत। कल हमारा दिन नहीं था, पर हम ये नहीं भूलें कि हमने इस पूरे टूर्नामेंट में इतने ब्यूटीफुली खेला है। हमने सबको मात दी है। आई मीन टू से आई डोंट थिंक सो कोई और ये कर पाया है और किया है, यू नो, बैक टू बैक विक्ट्रीज। तो क्या वो एक हार के वजह से हम वो विक्ट्रीज जितनी भी हैं वो भूल जाएँ? नॉट पॉसिबल। वी हैव द बेस्ट टीम एंड वी नो दैट। थैंक यू सो मच। थोड़ा पीछे से क्लियर क्यों? थोड़ा सा डांस कर दीजिए। हाँ बाजीराव डांस करो। अंजलि अंजलि आप करेंगे तो हम करेंगे। अंदर जाके देखना पड़ेगा किसके साथ ज्यादा। आप आ गए एकदम से, काफी अच्छा कॉस्ट्यूम लग रहा है, बाजीराव जैसा थीम लग रहा है। उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है, बट यस आई एम गोइंग फॉर रानी महारानी वाइब्स। किसको क्या लग रहा है फर्स्ट एक्ट के बाद किस तरह से? आर यू लुकिंग फॉरवर्ड?
फर्स्ट एक्ट मेरा उतना अच्छा नहीं गया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज मैंने समथिंग कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई किया, लैटिन डांस स्टाइल जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बट इट डिडंट मे बी हिट द मार्क, उनको उतना मज़ा नहीं आया, क्या था पता नहीं, समथिंग जस्ट वेंट वेरी रॉन्ग विद द स्कोर्स, तो बहुत ही लोग है और ऑब्वियसली मैं बाकी सभी तरह उतनी पॉपुलर नहीं हूँ ऑलरेडी, लाइक यू ऑलरेडी पॉपुलर या बट इनकी आर्मीज है, इनके बहुत लोग हैं जो इनके पीछे पड़े रहते हैं वोट्स करने के लिए टू मेक देम विन, यू नो, तो मुझे लगता है वो but मेरे पास नहीं है। व्हेन आई लुक योर करियर मूवी से खतरों के खिलाड़ी एंड नाउ झलक, इट्स गोइंग रियली वेल एंजेलिया, यस यस, वो आई एम वेरी ग्रेटफुल। बहुत सारे 3 प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हैं राइट नाउ, वेब शो चल रहा है, मूवी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है विद वेरी गुड प्रोडक्शन हाउसेज एंड प्लेटफॉर्म्स, टच वुड, बट दिस इज समथिंग दैट आई रियली, कंपटीशन भी है इस बार, आई कैन सी आमिर अली, शेव, यस यस यस, शोएब, दे आर डूइंग वेल, एग्जैक्टली, उनके वोट्स को कोई मैच नहीं कर सकता, सो आई एम जस्ट वही ट्राई कर रही हूँ कि जनता देखे कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और एक नई बच्ची आई है इंडस्ट्री में, उसका साथ दीजिए एंड मैं एंटरटेन करती रहूँगी और मुझे डांसिंग बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे एंड तक जाना है, इफ नॉट जीतना है। बिग बॉस कितना फॉलो कर पा रही हूँ? मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ इस बार, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं देख रही हूँ मैं, कुछ भी, हम यहीं पड़े रहते हैं रात को 2 बजे तक, सुबह 5 बजे मैं शूट पे जाती हूँ, शूट खत्म करके फिर यहाँ पे रहती हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल, मैं कुछ, मैं टीवी चालू नहीं किया इतने सालों से, ऐसे लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बट बिग बॉस इज गोना डू वेल इधर वे, मेरा फेवरेट शो है वो, मैं देखूँ कोई ना, मैं देखूँ बिग बॉस, मुझे मेरा फ़ोन भी हाथ में लेने का टाइम नहीं होता है, बट आई एम जस्ट कम्प्लीटली, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है झलक पे, तो आई एम जस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अरे भाई सेंटर आओ भाई, तुम भी आओ भाई, तुम भी आओ, भाई कैसा चल रहा है सब, परफॉर्मेंस क्या है सर, थोड़ा कुछ बता दो, नहीं करते ना तुम लोग, ये बड़ा जवान है, बिग बच्चा, ये किचन का भी है, किचन का, अरे अच्छे से हंस पहली परफॉर्मेंस एकदम थाकड़ थी आपकी, आपकी और जिस तरह यूज हो रहा है क्रॉक्स का, वो काफी अच्छा यूज हुआ था भाई, यहाँ पे पूरे झलक में आप देखोगे ना, कोई ऐसा कंटेस्टेंट नहीं जिससे आप इम्प्रेस नहीं होगे, सब मेहनत कर रहे 8-8, 9-9 घंटा, मैं डर जाता हूँ कि भाई पहले तो डेली सोप कर रहे हैं, फिर उसके बाद आ रहे हैं रिहर्सल कर रहे हैं, तो हम ऐसा लगता है कि हम बहुत कम कर रहे हैं, तो सभी बेस्ट कंटेस्टेंट हैं, बट एक होता है कि सबका अपने अपने से कंपटीशन एक दूसरे से कम और खुद से ज़्यादा होता है, मैं जिस दिन पहले दिन यहाँ पे आया, मैं उससे बहुत सीख के जाऊँगा, ये मोटो से आया और पैसे लेके जाऊँगा, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस किस तरह की थी आपकी, अगर होने की इसके बाद खाने के बाद क्या क्या है कुछ, ये इससे बताओ क्या सिर्फ, ओके भाई काफी लोग डिसअपॉइंट हुए मैच को लेके, भाई मैच मैं देखता नहीं हूँ और मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, बट जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो मैंने टी शर्ट ली थी, फ्लैग लिया था और मैंने डिसाइड किया था कि रिहर्सल के बाद मैं मरीन ड्राइव जाऊँगा, पूरा फ्लैग वैग उड़ाऊँगा, हम जीतने वाले थे, बट एक मानना पड़ेगा हम जितना इंडिया सब इमोशनली अटैच था, बट एक मानूंगा कि इंडिया की जो टीम है उनको हमें अभी साथ देना चाहिए, अभी अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई सबकी वाट लगा दी वन साइड, और होता है ना कभी कभी दिन नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ ओवर कॉन्फिडेंट, नहीं ओवर कॉन्फिडेंट भाई, और हमारे रोहित शर्मा ने काफी मेहनत की इस बार, भाई रोहित शर्मा हो पूरी टीम हो, आप जीतने के बाद उनके साथ रहते हो, अप्रिशिएट करते हो, बोलो ये लव यू, ये क्या मस्त आदमी है, हारने के बाद उनके साथ रहो, फालतूगिरी नहीं चाहिए, राइट भाई, थैंक यू।